मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। बिना किसी देरी के एक नजर हेडलाइंस पर। आदिलाबाद के सांसद सोयम बापू के बड़े बयान से खड़ा हुआ विवाद, बोले अगर मुस्लिम लड़का आदिवासी लड़कियों का करेगा पीछा तो काट दिया जाएगा सर। राव का एक वीडियो कथित तौर पर सोमवार को हुआ वायरल। लेकिन ये मुसलमान के बच्चे को मैं एक बोलना चाह रहा हूँ, हमारे आदिवासी के लड़के के पीछे गए तो तुम्हारा स्वयं बाबा सिर करके बैठ देता हूँ। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल से चुनाव जीतने वाली बंगाली एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां आज संसद शपथ लेने पहुंची। एक्ट्रेस से सांसद बनी दोनों स्टार्स ने शपथ लेने के बाद स्पीकर ओम बिरला के पैर छू कर लिया आशीर्वाद। गुंडों की गुंडागर्दी आपे से बाहर, बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की पत्नी शोभा से ठकठक, गैंग के बदमाशों ने की लूटपाट। घर से मीटिंग अटेंड करने के लिए निकली थी नेता की पत्नी, रास्ते में स्कूटर पर सवार बदमाशों ने दिया इस वारदात को अंजाम। पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को लगाए करारा झटका, टीडीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अंबिका कृष्णा बीजेपी में हुए शामिल। एलुरु से विधायक के साथ फिल्म प्रोड्यूसर रह चुके हैं अंबिका कृष्णा। क्रिकेट की काशी लॉर्ड्स में आज ऑस्ट्रेलिया और मेजबान इंग्लैंड की टीम के बीच होगा जबरदस्त मैच। इंग्लैंड के लिए ये काम नहीं होगा आसान, क्योंकि उसे ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड और भारत का करना होगा सामना। पश्चिम बंगाल की कोलकाता पुलिस ने 3 बांग्लादेशियों को मंगलवार को किया गिरफ्तार। कोलकाता पुलिस का दावा, गिरफ्तार तीनों लोग न्यू जमीतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश इस्लामिक स्टेट के हैं आतंकी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को लग सकता है एक बड़ा झटका। जर्नलिस्ट के मर्डर और 2 साथियों के साथ रेप के दोषी राम रहीम की पैरोल की अर्जी हो सकती है खारिज। बलात्कार और हत्या के आरोपी गुरमीत राम रहीम ने 42 दिनों की पैरोल की दी थी अर्जी। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने बीते दिन मोटर वाहन संशोधन विधेयक को दे दी है मंजूरी। बिल में यातायात नियमों को उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान हुआ शामिल। अब यातायात के नियमों को तोड़ने वाले को देना होगा दोगुना जुर्माना। गुजरात में खाली राज्यसभा की 2 सीटों पर अलग से चुनाव कराने को लेकर कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई से इंकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग का रास्ता अपना सकती है कांग्रेस। गढ़वा अंबिकापुर मुख्य मार्ग पर बिहार के सासाराम जाने वाली पॉपुलर नामक यात्री बस 100 फीट नीचे खाई में गिरी। पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर घायलों को पहुंचाया अस्पताल। हादसे में 6 यात्रियों की मौत जबकि 39 लोग घायल। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर से लौटेंगे देश और दुनिया के तमाम छोटी बड़ी अहम खबरों को लेकर। इजाजत दीजिए, नमस्कार।